हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे मसाला पीनट, यानी कि यहाँ ये है जो मूंगफली की सेंग है, इसे हम मसालेदार बनाएंगे, चटपटी बनाएंगे। इसे आप दाबेली में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्टोर भी करके इसे रख सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले हम पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे यहाँ पर, और इसमें मैं एक बड़ा चम्मच तेल डालूँगी या एक टीस्पून, यहाँ पे हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मूंगफली ली है और इसे मैंने अच्छे से रोस्ट करके इसके पूरे छिलके निकाल लिए और इसे दो भागों में डिवाइड कर लिया, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 2-3 मिनट तक हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़े क्रंची बन जाए। तो देखिए इसका अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है और क्रंची भी हो गई है। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट किया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम मूंगफली को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने आधा डाला है और आधा हम तीखी वाली डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालूंगी इसमें और इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से, और ये हमारी मूंगफली बनके तैयार है। चटपटी मूंगफली है, इसे आप दाबेली में भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्नैक्स में इसे, या फिर इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मूंगफली बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे चटपटी मूंगफली बन के तैयार है। आप इसे दाबेली में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से लोग इसे दाबेली में भी यूज़ करते हैं। इसे आप बना के भी रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।